अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने इम्यूनोलॉजी सेकेंड हाफ की रिवीजन करनी है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा सबसे सेकेंड हाफ है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, वो था रेस्पिरेटरी बर्स्ट। तो ये था ना सेकेंड हाफ में, आई थिंक सो। ये हमने फर्स्ट हाफ में नहीं किया था, इसको हमें सेकेंड हाफ में करना था। चले जी, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ये हमने रेस्पिरेटरी बर्स्ट को समझने के लिए पहले हमने HMP शंट देखा था कि HMP शंट क्या होता है। HMP शंट में हमने ये देखा था कि HMP शंट था हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, शंट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, या फिर इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते थे। तो ये अलग अलग, अगर लीवर में होगा तो इसके अलग अलग इसकी वो थी, अगर ये आपके न्यूट्रोफिल में होगा तो इसका अलग फंक्शन था, और अगर यही आपके RBCs में होगा तो उसका अलग फंक्शन था। तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले लीवर में। तो HMP शंट क्या था? HMP शंट ये था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर जब आपके एंजाइम 6 ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब इसके ऊपर एक्ट करता था, तो ये दो चीजों में टूट जाता था, पेंटोज फास्फेट में और NADPH में। पेंटोज फास्फेट कहाँ यूज होता था? राइबोज शुगर बनाने में, DNA न्यूक्लियोटाइड की जो राइबोज शुगर होती है पेंटोज, वो बनाने में काम आता था। और NADPH काम आता है आपकी बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में NADPH यूज होता है। तो ये आई थिंक आसान सा है, लीवर सा, लीवर लीवर में जो HMP शंट होता है वो इस तरह होता है। जो न्यूट्रोफिल में HMP शंट होता है सेम उसी तरह होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और ये दो में टूट जाता है, पेंटोज फास्फेट्स में और NADPH में। लेकिन यहाँ पर जो NADPH है उसका रोल अलग होता है, वहां पर उसका रोल अलग था। न्यूट्रोफिल में NADPH का रोल क्या होता है? ये यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि न्यूट्रोफिल जो है ना ऑक्सीडेटिव बर्स्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव बर्स्ट करते हैं, या क्या होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं पैथोजन की। कौन करते हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, पहले न्यूट्रोफिल उनको फेगोसाइड करते हैं, फेगोसाइड करने के बाद फिर वो उसकी क्या करते हैं? किलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उस किलिंग करने के लिए वो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट का यूज करते हैं, उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। कैसे? वो ऑक्सीजन लेते हैं RBCs से, हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन लेकर वो उसी ऑक्सीजन को चेंज कर देते हैं सुपरऑक्साइड में। कौन सा एंजाइम था? एंजाइम NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम यूज करते हैं, और इसमें कोफैक्टर यूज करते हैं NADPH, और ये NADPH वो कहां से गेन करते हैं? HMP शंट से इसको एज ए कोफैक्टर यूज करते हैं। NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है इसके ऊपर, ये किस में तब्दील हो जाता है? ऑक्सीजन के सुपरऑक्साइड में। अब ऑक्सीजन के सुपरऑक्साइड में एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम एक्ट करता है। ये एंजाइम सुपरऑक्साइड को तब्दील कर देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम था माइलो परऑक्सीडेज। क्या नाम है? माइलो परऑक्सीडेज। और इसी H2O2 के साथ, H2O2 के साथ Cl मिल जाता था, याद है? और ये क्या बन जाता था फिर? HOCl। और यही HOCl आपके इस बैक्टीरिया की क्या करता था? किलिंग करता है, ये आपके बैक्टीरिया की क्या करता है? किलिंग। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इसको कि ऑक्सीजन लेता है न्यूट्रोफिल और उसको ऑक्सीजन के सुपरऑक्साइड में तब्दील करता है, किसकी मदद से? NADPH ऑक्सीडेज की मदद से, और इसमें NADPH एज ए कोफैक्टर लेता है कहां से? HMP शंट से। फिर यही आपका ऑक्सीजन सुपरऑक्साइड तब्दील होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड में, किसकी मदद से? सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम की मदद से। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड में वो क्लोराइड आयन ऐड किया जाता है और इसको बनाया जाता है HOCl। यहां पर एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? माइलो परऑक्सीडेज। और ये जो HOCl होता है ये बैक्टीरिया क्या करता है? किलिंग करता है। समझ आ गया? अब वो कहता है कि अगर यही एंजाइम डिफेक्टिव हो, यही वाला एंजाइम डिफेक्टिव हो, ये NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्टिव हो, या आपका HMP शंट से ये वाला एंजाइम डिफेक्टिव हो, ग्लूकोज 6 फास्फो 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जब ये एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो NADPH बनेगा, तो NADPH कम बनेगा। अगर NADPH कम हो या फिर आपका ये एंजाइम डिफेक्टिव हो तो आपको कौन सी डिजीज होती थी? क्रोनिक ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज, क्रोनिक ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज। तो ये डिजीज हो जाती है, और इस डिजीज को हम डिटेल में आगे जाके भी देखते हैं कि ये डिजीज क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। चले, RBCs में इसका फंक्शन क्या होता है? यहां तक समझ आ गया?
चले, आरबीसीज में हमने कहा कि अगर आपको कोई ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है, कोई इन्फेक्शन होता है किसी ड्रग्स की वजह से, जैसे फेवाबीन्स ड्रग्स होती हैं, इनकी वजह से आपने ड्रग्स ली, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, तो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन सा एंजाइम करता है? ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज एंजाइम। अब ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज एंजाइम इस H2O2 को तब्दील करता है H2O में, मतलब यहां से एक ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना यहां से। देखिए H2O2 एक ऑक्सीजन, दो नहीं बल्कि एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब इसको रिमूव करने के लिए इसको ये वाला ऑक्सीजन किसी ना किसी को देना पड़ेगा, वो ये वाला ऑक्सीजन किसको देता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन को। किसको? रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। अब ये इस रिड्यूस्ड को एक क्या दे देगा, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अब ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि H2O2 को हमने न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज, लेकिन ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज को इसके ऊपर एक्ट करने के लिए रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन चाहिए। अगर रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन नहीं होगी तो ये एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसने इसको ऑक्सीजन दी और ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन बन गया, मतलब रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन खत्म हो गया। अब इसको दोबारा काम करने के लिए दोबारा चाहिए, क्या चाहिए, रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन। तो दोबारा ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन कहां से गेन करेगा, एचएमपी शंट से। वो कैसे भला, एचएमपी शंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फोडीहाइड्रोजिनेज, और वही पेंटोज फास्फेट, और क्या बन जाएगा, NADPH। अब आपका एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूटाथाइन रिडक्टेज। ग्लूटाथाइन रिडक्टेज आपके इसी NADPH के ऊपर एक्ट करता है और इससे एच पॉजिटिव ले लेता है और इसको बना देता है NADP पॉजिटिव। और जो इससे एच पॉजिटिव लेता है वो किसको दे देता है, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन को। अब मुझे बताएं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां पर इसको जब एच पॉजिटिव देता है तो ये दोबारा क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑक्सीडाइज। दोबारा क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये आपकी रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन की वो लिखी हुई है कि ये अगर लिखा हो 2GSH दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथाइन, इफ इट्स रिटन दैट GSSG इट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथाइन, रिमेंबर इट, इसको याद कर ले, ठीक है। तो वही बात है, समझ आ गई आपको, इसको मैं रिपीट करूं एक बार, रिपीट करने की जरूरत है, चलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। H2O2 को हमने न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए हमें ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए, ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज एंजाइम को रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन चाहिए, वो इसको ऑक्सीजन दे के इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। अब इसी ऑक्सीडाइज को हमने दोबारा क्या करना है, रिड्यूस। वो कैसे होगा, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज आपके NADPH से एच ले लेगा और इसको तब्दील कर देगा NADP पॉजिटिव में, और यही एच दे देगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को, गेन ऑफ एच पॉजिटिव इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन, और ये दोबारा अवेलेबल है इसके लिए कि दोबारा ये इसके ऊपर एक्ट करे और इसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। इसी तरह जो ये उसने कहा है कि ये अच्छा, अगर ये H2O2 जमा हो जाए, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, ये HMP शंट ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, या ये एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं, देखे देखे मैं जरा जल्दी बता रहा था, अगर आपका ये एंजाइम काम नहीं कर रहा तो क्या NADPH बनेगा, नहीं। तो क्या ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में जाएगी, नहीं जाएगी। तो क्या आपका ये ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या आपके H2O2 H2O में तब्दील होगा, नहीं होगा। तो आपका H2O2 बॉडी में क्या कर जाएगा, अकुमुलेट कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन डीनेचुरेशन हो जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन टूट फूट का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2O2 एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये हीमोग्लोबिन की तोड़ फोड़ कर देगा, इससे हिंज बॉडीज बन जाएंगे। हिंज बॉडीज क्या होती है, ये देखें, ये हीमोग्लोबिन फ्री था और यहाँ पर हीमोग्लोबिन टूट कर सारे हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ गए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़ गए हैं और जुड़कर ऐसे एग्रीगेट कर जाते हैं आपस में, इकट्ठे हो जाते हैं, टू गैदरिंग बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंज बॉडीज। और उसके बाद मेम्ब्रेन डैमेज, आपका जो H2O2 है ये RBCs की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, RBCs की मेम्ब्रेन को, जब RBCs की मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो मतलब RBCs की क्या हो रही है, हीमोलाइटिक, उनकी तोड़फोड़ हो रही है।
जब आरबीसी की तोड़फोड़ होगी तो दैट इज कॉल्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी ब्लड में क्या हो जाएंगे? कम। तो इसे क्या कहते हैं? हिमोलाइटिक। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, समझ आ रहा है? पक्की बात है। चलो जी। अच्छा, अब यही जो ये H2O2 पैदा हो रहा है, या तो ये स्ट्रेस की वजह से पैदा हो रहा है, या फिर आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है उसका जो ऑक्सीजन है, उसके पास जब ऑक्सीजन होता है, जब उससे ऑक्सीजन, वो जो उसके पास ऑक्सीजन है वो चेंज हो सकता है ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में, कौन से एंजाइम की मदद से? NADPH ऑक्सीडेज, याद करें। तो बाकी जो हीमोग्लोबिन बचेगी वो मेथा हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ये सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड किस में तब्दील होती है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। एंजाइम कौन सा होता है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, या फिर आपकी ऑक्सीजन स्पोटेनियस खुद ब खुद H2O2 में तब्दील हो सकती है। तो इस तरह हमने इस H2O2 को क्या करना होता है? न्यूट्रलाइज। अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे तो ये बॉडी में अकुमुलेट होगा और हीमोग्लोबिन डिनेचुरेशन हींस बॉडीज और मेम्ब्रेन डैमेज यानी हीमोलाइटिक एनीमिया काज करते हैं। आई होप सो दैट कि आपको HMP शंट समझ आ गया होगा। समझ आ गया? पक्की बात है। चले जी, अब हम इसको जरा बुक से करते हैं, देखते हैं वहां से। देखिए वही बात कह रहा है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है सारा फेगोसोम में हो रहा है, ठीक है, फेगोलाइसोसोम में। बाहर से कोई पैथोजन आया, ये न्यूट्रोफिल था, इसने उसको इंगल्फ किया, तो इसका जो लाइसोसोम होता है वो इसके पास जाता है और इसको इंगल्फ करके पूरा क्या बन जाता है? फेगोलाइसोसोम। अब ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बस्ट में, वो कहाँ होगा? फेगोलाइसोसोम में होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रोफिल उसको तब्दील करता है ऑक्सीजन सुपरऑक्साइड में, किसकी मदद से? एंजाइम कौन सा होता था? NADPH ऑक्सीडेज, और कोफैक्टर NADPH एज ए कोफैक्टर काम करता है। नंबर टू पे आपका यही सुपरऑक्साइड तब्दील होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, एंजाइम कौन सा एक्ट करता है सुपरऑक्साइड? डिसम्यूटेज। फिर आपका यही आपका H2O2 के साथ हम क्लोराइड एंड मिलाते हैं और वो क्या बन जाता है? HOCl। एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? माइलोपरऑक्सीडेज। अब यही HOCl आपके बैक्टीरिया की क्या करता है? किलिंग करता है। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग ऑफ द पैथोजेंस। अच्छा, बाज दफा क्या होता है? बाज दफा यही होता है कि आपका ये वाला एंजाइम जो है ना, आपको 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 क्या हो गई है? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो गई है, CGD आपको हो गई है। CGD का मतलब है कि आपका ये वाला एंजाइम डिफेक्टिव है, डेफिशिएंसी है। NADPH ऑक्सीडेज क्या है? डेफिशिएंसी। जब NADPH एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या आपका ये ऑक्सीजन सुपरऑक्साइड बनेगा? तो क्या आपका H2O2 बनेगा? तो क्या आपका HOCl बनेगा? क्या आप बैक्टीरिया की किलिंग कर पाएंगे? नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बन ही नहीं रहा, ये वाला प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो अगले प्रोसेस कैसे होंगे? अगले प्रोसेस भी नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारा न्यूट्रोफिल के पास एक सोल्यूशन होता है कि जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया अपना H2O2 भी पैदा करते होते हैं। अब हमारा न्यूट्रोफिल अपना H2O2 तो नहीं बना सकता क्योंकि ये एंजाइम डिफेक्टिव है, तो वो बैक्टीरिया के H2O2 को ले लेता है और बैक्टीरिया के H2O2 को चेंज कर देता है HOCl में, लेकिन एंजाइम कौन सा होगा? माइलो परऑक्सीडेज। इस एंजाइम की मदद से क्या बना देता है? वो HOCl, और जिस बैक्टीरिया से उसने H2O2 लिया था उसी बैक्टीरिया क्या कर देता है? उसी बैक्टीरिया की किलिंग कर देता है। लेकिन जो कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कहते हैं, हाँ, जिसका खाते हो उधर ही नमक हरामी करते हो, कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। वो कहते हैं, न्यूट्रोफिल कहते हैं, तुम क्या कर लोगे मेरा? तो कैटालेज पॉजिटिव कहते हैं, देखो मैं क्या करता हूं। कैटालेज पॉजिटिव H2O2 भी बनाते हैं, लेकिन साथ में ये कैटालेज एंजाइम बनाते हैं। कौन सा? कैटालेज एंजाइम। अब कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया दो चीजें कर रहे हैं, H2O2 भी बना रहे हैं और कैटालेज पॉजिटिव एंजाइम भी बना रहे हैं। अब इसी एंजाइम का काम होता है कि बैक्टीरिया ने जो H2O2 बनाया है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देना, H2O बना देना। अब H2O2 है, इधर हमारा अपना एंजाइम भी डिफेक्टिव है, हम अपना H2O2 भी नहीं बना पा रहे, जो बैक्टीरिया के H2O2 यूज कर रहे थे वो भी न्यूट्रलाइज हो गया है। किसने न्यूट्रलाइज किया है? कैटालेज एंजाइम ने, वो भी हमारे पास नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस तरह उस पेशेंट को CGD के इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? अब ये तो एक एक्शन था, अगर आपका यही H2O2 बॉडी में ज्यादा हो गया तो हमने इस H2O2 को न्यूट्रलाइज भी करना है। अभी अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। न्यूट्रलाइज ये करते हैं कि H2O2 को हम तब्दील करते हैं H2O में। एंजाइम कौन सा काम करता है? परऑक्सीडेज, ग्लूटाथाइन
अभी अभी हमने देखा है एचएमपी शंट में ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज, लेकिन ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज रिड्यूस्ड फॉर्म को तब्दील कर देता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, याद है? फिर हमने इसी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को दोबारा रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके जाना था, एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा था? ग्लूटाथाइन रिडक्टेज, याद है? लेकिन ग्लूटाथाइन रिडक्टेज एनएडीपीएच को यूज कर रहा था, एनएडीपीएच को उसका एच लेके इसको दे रहा था और चेंज हो रहा था एनएडीपी पॉजिटिव में। ये जो एनएडीपीएच था ये कहां से आ रहा था? एचएमपी शंट से। और एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा था? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर एक्ट करता है, और जब 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर एक्ट करता है तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट को तोड़कर 6 फास्फोग्लूकोटो इलेक्ट्रॉन बना देता है, और साथ में क्या बना देता था? एनएडीपीएच भी बना रहा था। समझ आ गया? तो ये हमारा क्या था? रेस्पिरेटरी बस था। समझ आ गया? इसको ऊपर से रीड करने की जरूरत तो नहीं है, रीड कर लेंगे आप लोग खुद, नीचे से कुछ चीजें हैं वो मैं रीड करा देता हूं आपको, ठीक है? देखें यहां से रीड करते हैं हम लोग, कहां से, कहां से, यहां से, बल्कि हाँ, पायोसिन ऑफ पी एरोजिनोजा जनरेट्स आरओसी टू किल कंपीटिंग पैथोजेंस। अब ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये अपना ही एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है पायोसाइनिड, ये पायोसाइनिड टॉक्सिन जाके जो दूसरे, ये हमारी बॉडी थी ठीक है, इसमें एक तो ये वाला बैक्टीरिया आया हुआ था, ये वाला बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया भी आए हुए थे, इसने क्या प्रोड्यूस किया? पायोसाइनिड। पायोसाइनिड टॉक्सिक गया, इसने जो दूसरे बैक्टीरिया थे उनकी क्या कर दी? किलिंग कर दी, कि मैं ही इसमें डिजीज काज कराऊंगा, आप लोग डिजीज काज नहीं करा सकते। अच्छा, उसके अलावा, उसके अलावा अगली लाइन क्या लिखी? अगली लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीडेटिव बस्ट आल्सो लीड्स टू के पॉजिटिव इन्फ्लक्स। देखिए जब आपके सेल के अंदर पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं, पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं तो आपके जो लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं और वो पैथोजन क्या करते हैं? किलिंग करते हैं। और अगली बात, लैक्टोफेरिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन सेक्रेटरी फ्लूइड्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये एक प्रोटीन है, ये क्या है? एक प्रोटीन है जो कि आपके सेक्रेटरी फ्लूइड्स में और आपके न्यूट्रोफिल्स में मौजूद होती है ठीक है, दैट इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ वाया आयरन चिलेट। अब आपका जो जो भी बैक्टीरिया है उसका आयरन है, उसके आयरन के साथ जाके चिलेट मतलब बाइंड कर जाएगी, ये प्रोटीन उसके साथ क्या कर जाएगी? बाइंड, और उसको बाइंड करके बॉडी से बाहर क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी ठीक है। तो ये इस तरह आपकी लैक्टोफेरिन प्रोटीन जो है ना, इस तरह भी ये आपको वहां से प्रोटेक्ट करती है। समझ आ गया ठीक है? तो रेस्पिरेटरी ब्रेस्ट, आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटरफेरेंस हो गए थे फर्स्ट हाफ में। सेल सरफेस प्रोटीन्स बहुत ही आसान है, मैं आई होप रीडिंग करता जाऊंगा आप लोग समझते जाएंगे ठीक है। सेल सरफेस प्रोटीन्स क्या होती है? कि टी सेल्स के ऊपर कौन कौन सी प्रोटीन्स मौजूद होती है, बी सेल्स के ऊपर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, मैक्रोफेज के ऊपर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है। तो टी सेल्स के ऊपर कौन कौन सी मौजूद होती है? याद है टीसीआर होता है उसके ऊपर जो बाइंड करता है एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसके ऊपर CD3 भी होता है एसोसिएटेड विद टीसीआर फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, याद है? ये यहां से ऊपर टीसीआर होता है, नीचे CD3 होता है, एमएससी क्लास ऊपर से आती है, ये इंटरेक्ट करते हैं इस तरह ठीक है। और CD28 जो ऐसे सेकंड सिग्नल काम करता था टी हेल्पर सेल 2 के लिए, यहां से CD28 आता था और यहां से B7, याद है? तो ये किसके ऊपर होता है? आपके टी सेल्स के ऊपर होता है। और हेल्पर टी सेल्स के ऊपर क्या होता है? CD4 भी होता है जो वो चेक करने के लिए भेजता था कि चेक कर क्या हो कि आया इसने प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। और CD40 लाइगेंड, याद है जब टी सेल बी सेल के रिसेप्टर के साथ यहां से CD40 लाइगेंड जाता था और यहां से CD40 रिसेप्टर होता था ये, और सी ये भी होता है इसके ऊपर CXCR4 CCR, ये कोर रिसेप्टर होता है फॉर HIV आके इसके ऊपर बाइंड करता है। और सेरोटॉक्सिक CTC उनके ऊपर क्या होता था? CD8, ये भी क्या करता था कि प्रोसेस कर क्या हो, चेक कर क्या हो कि प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। समझ आ रहा है ना? ये तो आपको पता है चीजें। रेगुलेटरी टी सेल्स, इनके पास CD4 होता है और CD, रेगुलेटरी सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? CD4 और CD25 होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। और बी सेल्स के ऊपर IG binds antigen, याद है? बी सेल्स के ऊपर ये नहीं होती IgM, मासूम सी बेबी सेल्स के ऊपर ये एंटीजन बाइंडिंग के लिए होती है, यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करती है। और इसके ऊपर CD19 भी होता है, CD20 भी होता है, CD21 भी होता है, रिसेप्टर फॉर एप्सिलॉन बार वायरस, और CD40 यही बात लाइगेंड वाली जो अभी मैंने की है, यहाँ पे लाइगेंड होता है और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिसेप्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है? लाइगेंड होता है ठीक है। और मैक्रोफेज के ऊपर क्या होते हैं? CD14 रिसेप्टर फॉर पैम्प्स, पैम्प्स याद है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। देखिए आपके मैक्रोफेज के पास क्या होते थे?
नहीं, इसके पास CD14 होते हैं और पैथोजन के पास क्या होते हैं, पैम्प्स होते हैं। अब आपका मैक्रोफेज इन्हीं पैम्प्स को CD14 के जरिए रिकग्नाइज करता था और इसकी क्या करता था, पैथोजन की किलिंग करता था। ठीक है, स्पीड तेज तो नहीं है मेरी, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है और आसान सा है, रट्टा बेस्ड है बस। CCR5 भी इसके पास होता है, MSC Class 2 भी इसके ऊपर होती है, B7 एज ए सेकंड सिग्नल इसके पास होता है, FC एंड C3B रिसेप्टर्स। मैक्रोफेज देखिए जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, जो आपकी ये एंटी एंटीबॉडी होती है उसके FC पोर्शन पे क्या C3B भी आके लगता है FC पोर्शन पे, और आपके मैक्रोफेज भी आके लगते हैं, याद है? याद है एंटीबॉडी के ऊपर आपका कंप्लीमेंट सिस्टम भी जुड़ता था और मैक्रोफेज भी जुड़ता था, तो यही इसका FC पोर्शन के ऊपर मैक्रोफेज के मैक्रोफेज जो होता है वो FC पोर्शन पे जाके अटैच करता है, और C3B रिसेप्टर भी इसके पास होते हैं। वो जो ऑप्शनलाइजेशन कराता था C3B जैम की तरह का, उस तरफ कोई पॉइंट आउट कर रहा है। CD16 बाइंड्स FC रीजन ऑफ, याद है ये नेचुरल किलर सेल का CD16 होता था, वो नेचुरल किलर सेल CD16 के जरिए FC पोर्शन के साथ बाइंड करता था IgG के। CD16 सजेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मेटापोटिक स्टेम सेल CD34। ए एनर्जी क्या होती है, ए एनर्जी क्या होती है, ए एनर्जी हम ये कहते हैं कि कोई भी टी सेल या बी सेल है उसको पहला सिग्नल तो मिल गया, फर्स्ट सिग्नल, लेकिन उसको सेकंड सिग्नल नहीं मिला। अब वो सेल तो है लेकिन ए एनर्जिक है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव पड़ा रहेगा। चलें इसकी करते हैं, स्टेट ड्यूरिंग विच ए सेल कैन नॉट बिकम एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू इट्स एंटीजन। एंटीजन ने तो एक्सपोजर किया है लेकिन सेल एक्टिव नहीं हुआ है। टी एंड बी सेल्स बिकम ए एनर्जिक व्हेन एक्सपोज्ड टू देयर एंटीजन विदाउट को स्टिमुलेटर सिग्नल, सेकंड सिग्नल उनको नहीं मिलता, पहला मिलता है सेकंड। एंड अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, इससे आप सेल्फ टॉलरेंस कर सकते हैं, आपकी बॉडी के जो अपनी एंटीजन होती है अगर वो टी सेल्स को एक्सपोयर हो गई है, ये टी सेल था उसको आपकी सेल्फ एंटीजन एक्सपोयर हो गया तो सेकंड सिग्नल नहीं आएगा, तो आपके टी सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, तो इस तरह आप सेल्फ टॉलरेंस पे रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, पैसिव डॉक्टर जवेरिया क्वेश्चन आपका, चले पैसिव वर्सेस एक्टिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसों से हम एंटीबॉडीज खरीद लेते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं कि एंटीजन दी मैक्रोफेज ने एक्सेप्ट की, टी सेल्स को एक्टिव किया, टी सेल्स ने बी सेल्स को एक्टिव किया, बी सेल्स से क्या बन गई आपकी, और एंटीबॉडीज फिर जाके बनती है। लेकिन पैसे में हम डायरेक्ट दे ही क्या देते हैं, एंटीबॉडीज, इसमें हम चीजों को एक्टिव करते हैं एंटीजन दे के, इसमें हम पैसों से एंटीबॉडी खरीद के दे देते हैं। देखिए रीडिंग करते हैं, रिसीविंग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ये एक्सपोजर टू एक्सोजिनस एंटीजन, इसको हम एंटीजन देंगे, इधर हम एंटीबॉडीज ही दे देंगे। ये रैपिड होता है, क्यों, क्योंकि इसको ये सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, ये क्या होता है स्लो, इसको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। शॉर्ट स्पाइन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हमने जो दी है इनमें कोई मेमोरी नहीं होती, होती है मेमोरी नहीं, ये तो हमने एंटीबॉडीज दी है, ये ऐसा ऐसा खत्म होती जाएंगी और 3 वीक्स के इनका हाफ लाइफ होती है और ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्शन, क्योंकि इनमें क्या होता है मेमोरी रेस्पॉन्स होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंटीबॉडीज बनती रहती है। एग्जाम्पल IgA एंड ब्रेस्ट मिल्क, हमने कहा था मम्मा जब बच्चे को फीडिंग करती है तो वहां से IgA बच्चे के पास जाता है, तो सीधा एंटीबॉडीज जा रही है ना, तो पैसिव इम्यूनिटी होगी। मैटरनल IgG क्रॉसिंग प्लेसेंटा, ओनली एंटीबॉडी टाइप दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज नेम्ड एज IgG, क्योंकि IgG सीधा एंटीबॉडी जा रही है तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, पैसिव इम्यूनिटी होगी। एंटीटॉक्सिन भी क्या होती है, पैसिव। ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी क्या होती है, ये मैंने डिटेल में बताया था क्या होती है। ठीक है, वो जो हम एक ह्यूमन की एंटीबॉडी के साथ जो है ना हम, हाँ ह्यूमन के साथ नॉन ह्यूमन की एंटीबॉडी जब हम इकट्ठे मिलाते थे तो इसको नॉन, उसको ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ये नेचुरल इन्फेक्शन की सूरत में, यानी कोई इन्फेक्शन हुआ है, एंटीजन दाखिल हुआ है, तो उससे एक्टिव, वैक्सीन भी क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी, टॉक्साइड भी क्या होती है, टॉक्साइड हम आगे पढ़ते हैं, और वैक्सीन भी ये क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं समझ आया, आगे समझ। अच्छा इसमें क्या होता है, आफ्टर एक्सपोजर टू टेटनस, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देख लेनी है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपने इसकी देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैक्सीनेशन थी, वैक्सीनेशन में हमने अभी देखा है किसकी एग्जाम्पल होती है, एक्यूट इम्यून रेस्पॉन्स की, कि एंटीजन दी उससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या हुई, एक्टिव हुई, और ये ह्यूमरल और सेलुलर दोनों रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है,
सबसे पहली थी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, ये इसको हमने पैथोजन को हमने पकड़ा और पैथोजन को हमने इतना कमजोर, वीक पैथोजन है, क्या है वीक पैथोजन, कि वो डिजीज काज नहीं कर सकता, पैथोजन डिजीज काज नहीं कर सकता, वो हमने दे दिया है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूजेस इट्स पैथोजेनिसिटी, यानी डिजीज काज नहीं कर सकता, बट रिटेन्स कैपेसिटी फॉर ट्रांजिट ग्रोथ विद एन इनकुलेटेड होस्ट, लेकिन वो होस्ट के अंदर ग्रो कर सकता है, डिजीज काज नहीं कर सकता, वीक है। जब वो ग्रो करेगा तो इंड्यूसेस सेलुलर एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स, दोनों ह्यूमन रिस्पॉन्स भी पैदा करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स भी। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, TH1 या फिर CD8 एक्टिव हो जाएंगे, और ह्यूमन रिस्पॉन्स में बी सेल्स एक्टिव होंगे, क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे, ठीक है। और ये क्या होता है आपका मेमोरी रिस्पॉन्स बन जाएगा, ठीक है। मीजल मम्स रिबेला एंड वैरिसीला वैक्सीन कैन बी गिवन टू द HIV पॉजिटिव पेशेंट विदाउट एविडेंस ऑफ इम्यूनिटी, यानी इफ अगर उसका सेल काउंट 200 से ज्यादा है, पेशेंट HIV का है, उसका सेल काउंट 200 से ज्यादा है, तब हम ये वैक्सीन देंगे। अगर उसका सेल काउंट 200 से कम है तब हम ये वैक्सीन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जब सेल काउंट ही कम है तो वीक पैथोजन भी उसमें क्या कर देगा, डिजीज काज कर देगा, तो इसीलिए सेल काउंट 200 से ज्यादा होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स है, इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग ऑफन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मे रिवर्टन टू वीक पैथोजन है लेकिन वायरुलेंट बन सकता है, डिजीज काज कर सकता है वापस, ऑफन कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है, समझ आ गया। रविया नहीं कर रहे हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें हम जो भी पैथोजन है उसको हम किल कर देंगे, क्या कर देंगे, किल, हीट से या केमिकल से, हीट से या केमिकल से डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, इनएक्टिवेटेड कर देंगे, लेकिन उसकी जो एपिटोप स्ट्रक्चर है आपका, जो ये हमने पढ़ा था ना, ये टाइप पढ़ी थी हमने, ये यहाँ पे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में कि एंटीजन का एक प्रॉपर हिस्सा होता है एपिटोप, वो आके लगता है एंटीबॉडी पे, अब बाकी तो सारा पैथोजन किल कर दो, इनएक्टिव कर दो, लेकिन जो उसकी एपिटोप की स्ट्रक्चर है वो कायम रहनी चाहिए, मेंटेनिंग एपिटोप स्ट्रक्चर ऑन सरफेस एंटीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि वो यहाँ पे आके जुड़ सके और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो सके। और ये कौन सा रिस्पॉन्स देता है, ह्यूमिरोल, सेफ देन लाइव वैक्सीन, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड है, ये वायरुलेंट नहीं बन सकता, वीक वापस जा सकते थे एक्टिव फॉर्म में, ये नहीं जा सकते, ये तो है ही मरे हुए। बूस्टर शॉट, और ये वीक रिस्पॉन्स होता है इनका, तो हमें बूस्टर्स देने पड़ते हैं, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। और सब यूनिट क्या है, सब यूनिट में हम एंटीजन का एक, ये पूरी एंटीजन है तो उसका हम एक मखसूस हिस्सा उठाएंगे, बस वो वाला मखसूस हिस्सा जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके, तो induces only the antigens that best stimulate the immune system, तो उसका एक छोटा सा सब यूनिट उठा लेंगे जो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके। लोअर चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शन, एक्सपेंसिव होता है, वीकर होता है इसका इम्यून रिस्पॉन्स, और ये उसके एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। और टॉक्साइड में मैंने बताया था कि आपका जो एंटीजन होता है, जो पैथोजन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका पैथोजेनिक पार्ट होता है, एक उसका इम्यूनोजेनिक पार्ट होता है। जो इम्यूनोजेनिक पार्ट होता है उसको हम टॉक्साइड बोलते हैं। अब वो कहता है इसमें आप जो पैथोजेनिक पार्ट है वो रिमूव कर दें, जब पैथोजेनिक पार्ट रिमूव करेंगे तो क्या डिजीज होगी, नहीं, लेकिन उसका इम्यूनोजेनिक पार्ट, उसका टॉक्साइड पार्ट हमने ले लिया है, ये जब देंगे इसका काम होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। अब हमारा इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होगा लेकिन डिजीज नहीं होगी, तो यही डीनेचर्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन विद एन इंटैक्ट रिसेप्टर बाइंडिंग साइट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडीज विदाउट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिजीज। जब उसका पैथोजेनिक पार्ट ही नहीं है तो क्या वो डिजीज काज करेगा, नहीं, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा क्योंकि उसका टॉक्साइड पार्ट, इम्यूनोजेनिक पार्ट उसमें है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल टॉक्सिंस, एंटीटॉक्सिन लेवल डिक्रीज विद टाइम, मे रिक्वायर अ बूस्टर्स, और ये उसके एग्जांपल्स हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरसेंसिटिविटी की टाइप्स थी, ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा। हमने कहा था इसकी 4 टाइप्स थी, एसिड से हमने याद किया था, कैसे, एसिड से, पहली ए से अस्थमा, एनाफिलेक्सिस और एटॉपिक रेस्पॉन्स आते थे, दूसरी सी से सेरोटॉक्सिक रेस्पॉन्स आते थे, आई से इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती थी, डी क्या थी, डिलेड रेस्पॉन्स था। तो टाइप 1 देखते हैं, ठीक है, टाइप 1 क्या होती है, इमीडिएट होती है, क्या होती है, इमीडिएट, और हमने कहा था इसमें क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं, एक इमीडिएट विद इन द मिनट्स और एक क्या होता है, लेट रेस्पॉन्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स में क्या था,
हमने कहा था कि ये मास्ट सेल है, कहा था ना, और मास्ट सेल के ऊपर क्या है, आईजीई एंटीबॉडीज जो कि फिक्स है। अब ऊपर से जब कोई एंटीजन आती है, रीएक्सपोयर होता है, पहले उसकी सेंसिटाइजेशन होगी, याद है, याद है कि पहले जब एंटीजन आया था तो उसके अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब यही आईजी एंटीबॉडीज मास्ट सेल के ऊपर लग जाएंगी। जब कोई एंटीजन आएगा, क्रॉस लिंक करेगा, अंदर से भी ये क्या होती है एंटीबॉडीज आईजी क्रॉस लिंक होती है, जब अंदर से भी क्रॉस लिंक होती है तो क्या रिलीज करती है ये, हिस्टामिन। कौन सा डॉक्टर बताएगा हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन से कराता है? सबसे पहले वेजोडाइलेशन, उसके बाद ब्रोंकोस्पास्म, उसके बाद स्किन रैशेस, उसके बाद आपके जीआईटी भी एक्ट करती थी, उसको इफेक्ट करती थी। तो ये सारा हमारा कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ये हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा था, लेट रिस्पॉन्स। लेट रिस्पॉन्स में हमने एक पाथवे पढ़ा था, ऑर्कडोनिक एसिड पाथवे, याद है। लेट रिस्पॉन्स में आपका ऑर्कडोनिक एसिड पाथवे आता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स समझ आ गया, पक्की बात है। लेट रिस्पॉन्स हम देखते हैं, लेट रिस्पॉन्स में हमारे पास ऑर्कडोनिक एसिड पाथवे था, कि जो उसमें क्या है कि जो आपके मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स, उनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है फास्फोलाइपेज ए टू, उसको तब्दील कर देता है ऑर्कडोनिक एसिड में। अब ऑर्कडोनिक एसिड फर्दर टू पाथवे में जाता है, पहला लिपोऑक्सीजिनेज, दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज, दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज में क्या बनता था, या तो प्रोस्टासाइक्लिन पीजीआई टू जो कि आपकी वेजोडाइलेशन कराता था, वेजोडाइलेशन कराता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 वेजोडाइलेशन कराता है, और वैस्कुलर टोन को कम करता है, यानी रेजिस्टिविटी को कम करता है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये क्या करता था, फीवर और पेन, याद है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द यूएसएमएली। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करती है, पेन और फीवर काज कराती है। और इसी तरह थ्रोम्बोक्सिन A2, इसका काम क्या था, प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराना। तो ये सारा होता है। और दूसरा दूसरा पाथवे क्या था जो कि इंपॉर्टेंट था आपके इसमें, लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लिकोट्राइन C4, लिकोट्राइन D4, लिकोट्राइन E4। इनका काम था ब्रोंकोस्पाज्म कराना, अस्थमा काज कराते थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करते थे। और भी लिकोट्राइन B4 प्रोड्यूस होता था, जिसका काम क्या था, न्यूट्रोफिल के लिए कीमो। ये मुझे बताएं कौन कौन से साइटोकाइन्स कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 8, C5A और एक ये वाला लिकोट्राइन B4, ये न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये काज हमने इसके ऊपर फार्माकोलॉजी अप्लाई की थी, कैसे भला, हमने कहा था जो एनएसएड्स होते हैं सारे, हमने डिक्लोफेनिक दी, हमने एबोब्रोफीन ड्रग दी, या पैनाडोल दी, एस्पिरिन दी, वो कैसे इसको आपके पेन को कम कर देते हैं, वो जाके आपका जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे है COX-1 और 2 दोनों को रोक देते थे, तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बनता था, तो आपको फीवर और पेन नहीं होता था। लेकिन हमने कहा था इनका साइड इफेक्ट है कौन सा, हमने कहा था ये COX-1 और COX-2 दोनों को मना कर देते हैं, दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन COX-1 का काम होता है कि वो आपके GIT में म्यूकस प्रोड्यूस करता है, याद है, अगर म्यूकस, जब COX-1 नहीं होगा तो म्यूकस बनेगा, नहीं बनेगा, HCL एक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। फिर हमने कहा था सेफ ड्रग्स कौन सी होती है, पहली सिलोकॉक्सिब थी, क्योंकि सिलोकॉक्सिब सिर्फ COX-2 को इनहिबिट करती है, COX-1 को इनहिबिट नहीं करती, तो इससे आपका फीवर तो ठीक हो जाएगा लेकिन GIT के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, म्यूकस प्रोड्यूस होता रहेगा। हमने कहा था पैरासिटामोल, वो जो है ना आपके हैपोथैलेमस में, सिर्फ और सिर्फ हैपोथैलेमस में आपके साइक्लोऑक्सीजिनेज को इफेक्ट करती है, वो GIT में इफेक्ट नहीं करती, तो GIT में आपका म्यूकस बनता रहेगा। समझ आ गई है, ये समझ आ गई। अच्छा, इधर भी हमने कहा था कि ज़िल्यूटिन ड्रग को हम अस्थमा में यूज करते हैं कि वो लिपोऑक्सीजिनेज को क्या करती है, इनहिबिट करती है, तो ये नहीं बनते, ये आपके लिक्विट्राइन बनते ही नहीं है। या फिर हमने कहा था मोंटिलोकास्ट और ज़ेफिरोलोकास्ट, जो कि ये आपके जो ड्रग्स हैं, ये आपके जो लिक्विट्राइन C4, D4, E4 है, ये जहां पर एक्ट करते हैं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो क्या ये ड्रग्स एक्ट कर पाएंगी, नहीं, तो क्या आपको अस्थमा कास्ट करा पाएंगी, ब्रोंकोस्पाज्म होगी, नहीं, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं होगी। आई होप समझ आ गया होगा ये आपको, आ गया समझ। एनाफिलैक्सिस क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस से आपको होते हैं, एलर्जिक अस्थमा वगैरह ये हो गया।
फर्स्ट एंड फास्ट, फर्स्ट टाइप एनाफिलैक्सिस होती है और फास्ट होती है। टेस्ट कौन से थे? स्किन टेस्ट करते थे हम, ब्लड टेस्ट, इलीजर टेस्ट करते थे, और एलर्जी स्पेसिफिक आईजी, इस टेस्ट से हम जाना ये मालूम करते थे। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पिछली बार मैंने डिटेल में इसको समझाया था। इसमें हमने ये भी पढ़ा था एनाफिलैक्सिस, एटोपी वगैरह हमने पढ़ा था, प्रीडिस्पोजिशन। डीसेंसिटाइजेशन क्या होती है ये बता देता हूँ। डीसेंसिटाइजेशन ये क्या होती है? डीसेंसिटाइजेशन हमने कहा था कि अगर एक बंदे को थप्पड़ मारो एक बार, कहेगा तुम्हें रिएक्शन देगा, दूसरी बार थप्पड़ मारो रिएक्शन देगा, तीसरी बार रिएक्शन देगा, चौथी बार कहेगा ये है ही पागल। तो जिस पेशेंट को जिस चीज से, अगर इसको पेंसिलीन से क्या हो रही थी, एलर्जी हो रही थी, तो वो पेंसिलीन उसको थोड़ी थोड़ी करके देते रहो, थोड़ी थोड़ी करके देते रहो, एक वक्त आएगा वो पेंसिलीन से डीसेंसिटाइज हो जाएगा, उससे उसको सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स थी, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए और वो 10 से 15 मिनट्स के बाद दे देते, लेकिन जो क्रोनिक थी वो लंबे अरसे के लिए और वीकली बेस पे हम दे देते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी, या टाइप वन डिटेल में पढ़ाऊं? आगे समझ चले, टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी में याद है क्या होता है? इसमें भी देखें, हमने कहा था टाइप वन में एंटीबॉडी फिक्स होती है, एंटीजन क्या होती है? फ्री। लेकिन यहां पर कोई भी सेल है उसके ऊपर एंटीजन होगी, और आपकी एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व थी? आईजीजी या फिर आईजीएम, ये फ्री होती है। आईजीई आके एक साइड के ऊपर इसके ऊपर लग जाती थी, और इसकी दूसरी साइड के ऊपर क्या आके लगते थे? या तो मैक्रोफेज, या कंप्लीमेंट सिस्टम, या नेचुरल किलर सेल्स। अगर मैक्रोफेज आके लगेगा तो वेस्ट क्या कर लेगा? इंगल्फ कर लेगा। अगर कंप्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा तो क्या हो जाएगा? आपका मैक बन जाएगा, वो इसकी क्या कर देगा? डिस्ट्रक्शन कर देगा। या क्या बन जाता था? C5A, जो कीमोटैक्टिक फैक्टर यूज होता था न्यूट्रोफिल के लिए, यूज होता है और इन्फ्लेमेशन काज करा देता है। या फिर अगर आपका नेचुरल किलर सेल्स एक्टिव हो गया तो सेरोटॉक्सिक किलिंग होगी, इसकी क्या कर देगा? वो किलिंग कर देगा। यही थी ना टाइप टू की डिटेल में समझाऊंगा इसको, समझ आ गया ना? कि आपके सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन लगी हुई है तो आपके ऊपर से क्या आके लगती थी? आईजीजी, और उसके एफसी पोर्शन पे या तो मैक्रोफेज आके लगेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा, या कंप्लीमेंट सिस्टम आके लगेगा, इसको मैक एक्टिव होगा, इसकी किलिंग कर देगा पूरे सेल की, या नेचुरल किलर सेल आके इसकी एपोप्टोसिस काज कर देगा, या फिर C5A एक्टिव होगा और ये इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। ठीक है, या फिर दूसरा इसमें होता था, आपके जो रिसेप्टर थे वो डिसफंक्शन होते थे, सेलुलर डिसफंक्शन था। उसमें मायोथिनिस ग्रेविस हमने पढ़ी थी, याद है मायोथिनिस ग्रेविस? कि इसमें क्या होता है मायोथिनिस ग्रेविस में, कि जो आपकी आंख की जो कंट्रेक्शन होती है, कि वहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? निकोटीन रिसेप्टर्स। इनके ऊपर क्या आके एक्ट करता था? निकोटीन रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन। अगर ये निकोटीन रिसेप्टर ही नहीं है, इनको आपके जो ये था आईजीजी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 की वजह से निकोटीन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, तो क्या एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर एक्ट कर पाएगा? नहीं। कॉन्ट्रेक्शन होगी? नहीं। एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन किसके जरिए? रिसेप्टर के जरिए। अब टाइप 2 की वजह से अगर ये रिसेप्टर हो जाए ओवर एक्टिव, यहां पर इनहिबिट हो रहे थे, यहां पर ओवर एक्टिव, तो ये TSH इसके ऊपर ज्यादा एक्ट करता रहेगा, तो इससे T3 और T4 ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज हो जाएगी। आपको समझ आ गया ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी? मैं इसकी रीडिंग करा देता हूं आपको। ठीक है, टाइप 2 की करा दूं रीडिंग। इनकी एग्जांपल्स आपने लाजमी याद रखनी है, एग्जांपल्स आपने लाजमी याद रखनी है, कि ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है। ठीक है, एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सरफेस एंटीजन, तो सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगी, या इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर सेलुलर डिस्ट्रक्शन डिसफंक्शन होगी। सेलुलर डिस्ट्रक्शन में क्या होगा? सेल इज ऑप्शनाइज्ड बाई एंटीबॉडीज लीडिंग टू एदर फेगोसाइटोसिस से उसकी, या इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम होगा, या फिर नेचुरल किलर सेल की किलिंग होगी। ये चीज समझ आ गई है ना तीनों? इन्फ्लेमेशन में क्या था? कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो रहा था, लेकिन उसका C5A एक्टिव हो रहा था, और वो क्या कर रहा था? इन्फ्लेमेशन काज कर रहा था, कीमोटैक्टिक फैक्टर। इसकी एग्जाम्पल्स आपने देख लेने, एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, और इधर एग्जाम्पल गुड पास्चर सिंड्रोम, याद है? नहीं याद? क्या हमने कहा था एल्विओलाई और ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
उनके गेस्ट क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज। ठीक ठीक है, वो एंटीबॉडीज जाके इसके ऊपर लग जाती है मेम्ब्रेन के ऊपर, और पीछे इसकी क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है, तो हिमचूरिया होता है और हेमोप्टोसिस होती है। आप अगर आपको होती है एल्वेलाई में इन्फेक्शन, तो क्या होगा वहां पर, आपको स्पिटिंग में आपको ब्लीडिंग ब्लड आएगा, हेमोप्टोसिस हो जाएगी। और अगर आपकी ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, तो वहां पर क्या होगा, हिमचूरिया हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जवेरा, समझ आ गया? अच्छा आपने बताया था कि ये लीनियर वे में बाइंड और ये करेंगे, लीनियर वे में बाइंड करेंगी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी और वे में नहीं ये लीनियर वे बाइंड लीनियर वे में करती है, तो सिंपल सा है कि तुम्हारा नाम जुबैर क्यों है। ठीक है, तो ये लीनियर वे में जाके बाइंड करती है। और सेल सरफेस डिस्फंक्शन यानी एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, या उनको ब्लॉक कर देगी या उनका फंक्शन बढ़ा देंगी। मायस्थिनिस ग्रेविस में ब्लॉक कर देती है और ग्रेव्स डिजीज में बढ़ा देती है। ठीक है, बाकी आपने इनको डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि ये जो डिजीजेज हैं इनके पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करते हैं तो बेस्ट है। मैंने वैसे कंसेप्ट के लिए समझाया था, लेकिन आपने इनके एग्जाम्पल्स लास्ट में याद रखनी है कि गुड़पाशिया सिंड्रोम कौन सी टाइप की एग्जाम्पल है, ये आपने चीजें लास्ट में याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 में क्या था? इम्यून कॉम्प्लेक्स, दोनों फ्री होते हैं टाइप 3 में। हमने कहा था दोनों फ्री होते हैं, हमने कहा था ब्लड वेसल की, हमने कहा था एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। और मोस्टली ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं इनको क्या कर देते हैं, क्लियर। लेकिन छोटे छोटे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं या आपकी एंडोथेलियल की जो लाइनिंग है वहां पे रह जाते हैं। जब ये वहां पर रह जाते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद क्या होता था, कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ता था इनके साथ। इनके साथ क्या आके जुड़ता था, जो आपकी एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी के ऊपर कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ता था। जब कंप्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ता था तो C3A और C5A एक्टिव हो जाती है। C3A आपके हिस्टामिन को रिलीज कराता है मास सेल से, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और C5A एज ए कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन, तो यहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके प्लेटलेट्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन। इसको क्या करना है, हमने इन्फ्लेमेशन को हील करना है, तो प्लेटलेट्स आके मजीद एग्रीगेशन, तो यहाँ पे ब्लड क्लाट बन गया। क्या बन गया? अब जब ब्लड क्लाट बनेगा तो यहां से ब्लड इजिली मूव कर सकेगा? नहीं। तो क्या यहां पर ब्लड पहुंच सकेगा? नहीं। यहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी? नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया, और क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। समझ आ गया? तो इस तरह इस्कीमिया और क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। तो ये आपकी क्या थी, टाइप 3 थी। इसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी सीरम सिकनेस की और एक देखी थी आर्थ्रेसिस रिएक्शन की। सीरम सिकनेस क्या थी, हमने कहा था कि पुराने दौर में हार्ट्स बनाया था मैंने, याद है, हार्ट्स बनाया था मैंने, कोशिश की थी कि हार्ट से हमने उसको एंटीजन दिया डिफ्थेरिया का, इसने उसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडीज हमने पेशेंट को दी, किसको, पेशेंट को। तो यही एंटीबॉडीज जिस पेशेंट को डिफ्थेरिया था, एंटीबॉडीज ने जाके डिफ्थेरिया के एंटीजेंस की किलिंग कर दी। लेकिन बाद में वहां पे क्या बन जाता था पेशेंट के अंदर, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से उसको क्या हो जाता था, डिजीज। यही आपको हाइपरसेंसिटिव टाइप 3 हो जाती थी। आर्थ्रेसिस रिएक्शन क्या था, आर्थ्रेसिस रिएक्शन कि किसी पेशेंट को कोई चीज एक ही जगह पर इंजेक्शन हमने बार बार दिया। लेट्स सपोज टेटनस का इंजेक्शन हमने उसको बार बार दिया। जब उसको बार बार देंगे, तो उसी जगह पर एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और वहां पे क्या बन रही थी, आपकी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बन रही थी, याद है। तो वहां पर आपका ये बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है आपका, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो वहां पर ये सारा हो रहा था, ये सारा, ये ब्लड क्लॉटिंग, तो इस तरह का प्रोसेस हो रहा था। तो ये आपकी थी टाइप 3। रीडिंग कर दूं मैं इसकी, चलो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, टाइप 3 की रीडिंग कर लेते हैं। स्पीड मेरी तेज तो नहीं है, समझ आ रहा है ना, पक्की बात है डॉक्टर भैया, समझ आ रहा है ना। इम्यून कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी मोस्टली IgG कॉम्प्लेक्स एक्टिव कंप्लीमेंट सिस्टम ऑफ कोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स, कैन बी एसोसिएटेड विद वैस्कुलाइटिस एंड सिस्टेमिक। जब ये वेसल्स के अंदर है,
अब अगर यही प्रॉब्लम उसको होगा आपके किडनी में, सॉरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगी, अगर यही आपका हो रहा है कि वेसल्स में वेस्कुलाइटिस हो जाएगी, अगर यही वही आपका नेफ्रॉन में हो रहा है तो नेफ्राइटिस हो जाएगी। तो ये जहां जहां ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा उसी जगह का इंफेक्शन होता जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टेमिक, यानी एक से ज्यादा जगहों पर ये हो सकता है। समझ आ गया, पक्की बात है। अच्छा सीरम सिकनेस, द प्रोटोटिपिक इम्यून, मतलब इसमें क्या था, हम पहले से एंटीबॉडीज बना रहे थे हॉर्स के अंदर, फिर उसको इंजेक्ट कर रहे थे। इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा, एंटीबॉडीज टू फॉरेन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड 1 to 2 weeks लेटर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड डिपॉजिट इन टिश्यूज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, फिर वही चीज सारी हो जाएगी। ठीक है, ऑर्थेस रिएक्शन क्या है, ऑर्थेस रिएक्शन में अ लोकल सब एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इंट्राडर्मल रिजेक्शन ऑफ एंटीजन इनटू अ प्रीसेंसिटाइज्ड हैज सर्कुलेटिंग आईजीजी इंडिविजुअल लीड्स टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द स्किन, इनहेंस्ड लोकल रिएक्शन टू बूस्टर, यानी अगर हमने बार बार वैक्सीन दी है एक ही जगह पर तो उसको वहां पर क्या बन जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन उसको दिया है, ठीक है, या फिर सब एक्यूट, यानी सब एक्यूट जगह उसको क्या बन जाएगा इम्यून, और ये लोकल होगा, जहां पर इंजेक्शन देंगे सिर्फ वहीं पर ही उसको ये बनेगा। करेक्टराइज बाई एडिमा, नेक्रोसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वही बात कर रहा है, बाकी आपने ये उसमें सिम्टम्स होंगे। और एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आपने इसकी लाजमी याद रखनी है, हर सेंसिटिविटी टाइप की। ठीक है, टाइप फोर, टाइप थ्री समझ आ गई है, टाइप फोर में क्या होता है, है? टाइप फोर में दो इन्वॉल्व थे, इम्यूनो रेस्पॉन्स भी था, नहीं इसका था ही, मतलब कि ये था ही, बाकी टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री तीनों क्या होती है, ह्यूमरल मीडिएटेड, और टाइप फोर क्या होती है, और ये होती है डिलेड रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड और डिलेड रेस्पॉन्स, इसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, आपका CD4 पॉजिटिव भी और CD8 पॉजिटिव भी इन्वॉल्व होता था, याद है CD8 क्या करता था, सीधी साइटोटॉक्सिक किलिंग, और CD4 टी सेल को रिकॉग्नाइज करता था और रिलीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, वो टी हेल्पर सेल 2। देखें देखें, ऊपर से एंटीजन आई, कोई भी पोलन कोई भी ऐसा था, मैक्रोफेज के पास आया, मैक्रोफेज से टी सेल के पास, जब टी सेल बन जाते थे टी हेल्पर सेल 1, और ये क्या करते थे, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, क्या करते थे, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, दैट इज टी हेल्पर सेल टाइप 4, टी हेल्पर सेल टाइप 4। ये सेल मीडिएटेड है ना, इसमें बी सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, नहीं इसमें टी सेल इन्वॉल्व है, टी हेल्पर सेल 1 इन्वॉल्व है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन है, क्या है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, मतलब ये क्या है, सेल मीडिएटेड है। इसमें आपने एक टेस्ट किया था ट्यूबरकुलिन, याद है ट्यूबरकुलिन, कि हमने चेक करना है कि उस पेशेंट को टीबी है या नहीं है, तो हम उसको ट्यूबरकुलिन देंगे, जो कि टीबी की एक एंटीजन होती है। जब हम ये एंटीजन उसको देंगे, ये यहां पर हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लगाया उसको, अगर उसके अंदर पहले उसको टीबी है तो मतलब ये मेमोरी सेल्स बन चुके हैं टी हेल्पर सेल 1, जैसे ही हम उसको टीबी देते हैं फौरन टी हेल्पर सेल 1 यहां पर जाते हैं और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी करते हैं और यहां पर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर जिस जगह पर हमने इंजेक्शन दिया है वहां पर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाए, मतलब इस पेशेंट को टीबी है, टीबी हुई है तो टी हेल्पर सेल 1 पहले बने हैं। अगर हमने उसको ट्यूबरकुलिन दिया है और वहां पर ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब वहां पर टी मेमोरी सेल्स नहीं थे, उन्होंने ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं की, तो उसको टीबी नहीं है। ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट था। एक और था लेप्रोमैन टेस्ट, लेप्रोमैन टेस्ट भी हम करते थे, उसमें हम क्या देते थे, लिप्रोमिन देते थे, सेम यहां पर हमने क्या दी, लिप्रोमिन। अगर उस पेशेंट को ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी है, तो टी हेल्पर सेल 1 जो मेमोरी सेल्स पड़े थे वो यहां पर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर देंगे। अगर उसको ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी नहीं है बल्कि उसको ग्रैनुलोमेटस लेप्रोसी है, तो ये नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे उस पेशेंट को ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी नहीं है बल्कि उसको क्या है, ग्रैनुलोमेटस लेप्रोसी है। समझ आ गया, सॉरी ग्रैनुलोमेटस लेप्रोसी नहीं होती, लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है, तो उसको क्या होगी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी होगी, उसको ट्यूबरकुलर लेप्रोसी नहीं होगी। और दूसरा कॉन्टैक्ट था, मैंने कहा था कि अगर फीमेल ज्वेलरी वगैरह पहनती है, स्किन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस थी, हाइपर सेंसिटिविटी थी, कि फीमेल ने कोई ज्वेलरी लगाई, ज्वेलरी पहनी, वहां पर उसकी ज्वेलरी उसके स्किन को कॉन्टैक्ट किया
और ये हमारी बॉडी के अंदर गई, जब बॉडी में गई तो एज ए हेप्टन काम करेगा, एज ए हेप्टन कि बॉडी की प्रोटीन के साथ मिल जाएगा, ये हमारी बॉडी की प्रोटीन थी उसके साथ मिल गया, अब ये एज ए एंटीजन काम करेगी। अब इसी एंटीजन को दोबारा वही मैक्रोफेज पकड़ेंगे, मैक्रोफेज से टी सेल एक्टिव होंगे, टी हेल्पर सेल 1, और टी हेल्पर सेल 1 रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इससे आपको इन्फ्लेमेशन होगी और जहां पर फीमेल ने ज्वेलरी पहनी थी वहां पर आपको क्या बन जाएंगे, स्किन रैशेस बन जाएंगे, अर्टिकेरिया टाइप आपको वहां पर तरफड़ से बन जाएंगे, तो फीमेल्स कहेंगे कि मुझे यहाँ पे एलर्जी हुई हुई है, तो उसको टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी होती है। समझ आ गया? दूसरी कौन सी, इसकी CD8 भी होती है कि अगर CD8 एक्टिव हो गया CD4 की बजाय, टी हेल्पर सेल 1 की बजाय CD8 एक्टिव हो गया तो वो क्या काज कर देता था, साइटोटॉक्सिक किलिंग कर देता था। उसमें हमने डिजीज की टाइप्स पढ़ी थी, 3 टाइप्स थी, कौन कौन सी थी याद करें, CD8 में सबसे पहले डिजीज थी इरिदमा मल्टीफॉर्म, याद है, 3 डिजीज थी। डॉक्टर जवेरा याद आ रहा है हल्का हल्का? देखिए पहली थी इरिदमा मल्टीफॉर्म, मल्टीफॉर्म, दूसरी थी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तीसरी थी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। हमने कहा था कि अगर आपका CD8 सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन को टच ना करे और थोड़ा सा इफेक्ट करे सिर्फ आपके माउथ के ऊपर, तो वो वाले जो इन्फेक्शन होंगे वो डिजीज होगी रिदमा मल्टीफॉर्म। अगर ये आपके 3-10% म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करे तो फिर होगी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और अगर आपके ये तकरीबन 30% से ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करे तो वो होगी आपकी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ठीक है, ये सिंपल से देख लें, डिटेल अगर देखनी है तो पीछे वाला हमारा लेक्चर आप देख लेंगे टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये सिंपल से कंसेप्ट था, यहां से आप देख लें, रीडिंग करें इसकी, मेरे ख्याल में तो रीडिंग यहां से तो हो गई है सारी, इसको देख लेते हैं। रेस्पॉन्स डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज वर्सेस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में एंटीबॉडी होती है, यहां पर क्या होती है, सेल मीडिएटेड, कोई एंटीबॉडी बन रही थी नहीं। एग्जांपल्स लाजमी देखनी है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये टेस्ट हमने टीबी का किया है, पैच टेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और कैंडिडा स्किन टेस्ट फॉर टी इम्यून सेल्स। ठीक है, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। आगे हमारे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस थे, हमने कहा था जो डोनर है उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, डोनर में क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर ये रेसिपिएंट के अंदर गई, किसके अंदर, रेसिपिएंट के अंदर, तो उसमें हो जाती थी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ये जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स है इनको रेसिपिएंट लेगा एज ए एंटीजन, और ये मास सेल्स के ऊपर क्या होती है, एंटीबॉडीज IgE, इनको क्या करता था, क्रॉस लिंक और हिस्टामिन एक्टिव होता था, फिर वही सारा टाइप 1 के सारे रिएक्शन शो होंगे, याद आ रहा है? अच्छा, और हमने कहा था IgA डेफिशिएंट इंडिविजुअल शुड रिसीव ब्लड विद, क्योंकि अगर उसके पास IgA नहीं है तो मतलब उसके उसके पास IgA के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। अगर इस रेसिपिएंट के पास IgA नहीं है, तो जिस तरह हमने कहा था कि अगर A पॉजिटिव ब्लड है तो उसके पास A एंटीजन है, B एंटीबॉडी है, सही है ना, उसके पास B एंटीजन नहीं है तो B एंटीबॉडी होगी, तो अगर इसके पास IgA नहीं है तो IgA एंटीबॉडी होगी। अब इस पेशेंट के पास IgA नहीं थी, इसके पास IgA एंटीबॉडी है, अगर हमने इसको IgA दे दी तो यही IgA एंटीबॉडी जाके IgA को किल कर देगी, तो इसलिए अवॉइड करें कि IgA डेफिशिएंट का जो इंडिविजुअल है वो रिसीव ब्लड करे, उसके पास IgA नहीं होनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्स 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर होता है, और ये उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो टाइप 1 की थी वो सारी होगी यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया? एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी टाइप 2 भी इन्वॉल्व होती है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें अगर आपने ए पॉजिटिव पेशेंट था उसको बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया है, इसके पास कौन सी एंटीजन थी, बी एंटीजन एंटीबॉडी ए, इसके पास एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, अगर इसकी एंटीजन इसके अंदर आएंगी रेसिपिएंट के अंदर तो इसके पास तो एंटीबॉडीज थी, वो इसकी क्या कर देती है, किलिंग, लेकिन टाइप 2 के जरिए, किसके जरिए, टाइप 2, टाइप 2 कैसे भला, कि ये आपका आरबीसी था, इसके ऊपर ये बी एंटीजन थी, तो आईजीजी बन जाएगी,
एंटीबॉडी आईजीजी जो कि बी एंटीबॉडीज है, बी तो पीछे कंप्लीमेंट सिस्टम, मैक्रोफेज या नेचुरल किलर सेल, इसकी क्या कर देंगे, आरबीसीज की किलिंग कर देंगे। समझ आ गई? ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टाइप टू की, ठीक है। ड्यूरेशन 24 आवर्स के अंदर अंदर ये होती है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस समझ देते हैं। फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि जब हम ब्लड को स्टोर करते हैं, ब्लड को स्टोर करते हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, साइटोकाइंस, स्टोरेज के उदाहरण। ब्लड बैंक में जब हम ब्लड को स्टोर करते हैं तो ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, साइटोकाइंस। जब यही साइटोकाइंस उसके अंदर जाते हैं पेशेंट के अंदर, तो ये वहां पर क्या कर देते हैं, रिएक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। तो प्रीफॉर्म्ड साइटोकाइंस होते हैं, 1 to 6 आवर्स के अंदर होती है, और जो हम एक्युमुलेट करते हैं उनसे ये रिएक्शन होता है, और ये उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ट्रांसफ्यूजन, अच्छा ये क्या था, इसमें क्या था, हमने कहा था कि जो डोनर का ब्लड है वो हमने रेसिपिएंट को दिया, और डोनर के ब्लड के अंदर अगर एंटी ल्यूकोसाइट्स, क्या है, एंटी ल्यूकोसाइट्स है, तो ये एंटी ल्यूकोसाइट्स रेसिपिएंट्स के अंदर जाएंगे, और अंदर जाके जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको, जो आपके लंग की कैपिलरीज हैं वहां पर बुलाएंगे, वहां पर न्यूट्रोफिल्स आके क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन, तो आपके लंग की जो कैपिलरीज है वहां पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन, तो वहां पर आपकी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, तो आपकी कैपिलरी की परमियबिलिटी बढ़ जाएगी और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, आपके लंग्स में क्या हो जाएगा, एडिमा। याद आ रहा है हल्का हल्का? उसके बाद था आपका डिलेड हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसमें क्या था, इसमें हमने कहा था कि जे आरएच फैक्टर की हमने मिसाल दी थी, आरएच फैक्टर की, कि यहां पर भी कौन सी टाइप होती है, टाइप टू इन्वॉल्व होती है, कि आपके अगर पेशेंट को जो डोनर था उसके पास आरएच पॉजिटिव था, जो रेसिपिएंट था वो आरएच नेगेटिव था, मतलब इसके पास आरएच एंटीजन नहीं थी लेकिन आरएच एंटीबॉडी थी, इसके पास आरएच एंटीजन है, जब ये आरएच एंटीजन आएगी तो ये एंटीबॉडी इसकी क्या कर देती है, डिस्ट्रक्शन, लेकिन टाइप टू के जरिए, तो इसको हम कहते थे डिलेड हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। समझ आ गया कि कोई चीज रह गई है? चले, ये ऑटो एंटीबॉडीज रट्टा बेस थे, पिछली बार भी मैंने कहा था। उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसीज, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखते हैं। बी सेल डिसऑर्डर कौन से थे, एक्स लिंक्ड ब्रूटन ए गैमाग्लोबिनेमिया, इसमें डिफेक्ट इन ब्रूटोसाइन टायरोसिन काइनेज जीन में, ब्रूटन टायरोसिन काइनेज जीन में डिफेक्ट था, तो आपके बी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो रही थी, तो बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। जब बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे तो बी सेल्स कौन से इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, याद है बीबी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होंगे आपको। और जब आपकी एंटीबॉडी, जब बी सेल ही नहीं होगा, जब बी सेल्स ही नहीं होंगे, क्या एंटीबॉडीज बनेंगी, क्योंकि बी सेल्स किन के ऊपर होते हैं, एंटीबॉडीज, बी सेल्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, जब बी सेल्स ही नहीं है तो क्या एंटीबॉडीज बनेंगी। तो जो बच्चा होगा उसको पहले 6 महीने तक तो मम्मा की आईजीजी जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस करके आई है वो तो स्क्योर करती रहेगी, लेकिन 6 महीने बाद क्या उसकी एंटीबॉडी बनेगी, नहीं, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है, एब्सेंट बी सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड, बी सेल्स ही नहीं होंगे, आईजी क्लासेस भी नहीं होगी, तो आपका लैम्फ नोड नहीं बनेंगे। याद करें लैम्फ नोड में जो प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स थे उनमें क्या होते थे, बी सेल्स, याद है, जब बी सेल्स ही नहीं होंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे नहीं, तो ये लाइव वैक्सीन कंट्रा इंडिकेटेड, अगर हम लाइव वैक्सीन देंगे वो पैथोजन है तो जिंदा लेकिन वीक है, जब बी सेल्स ही नहीं है तो वही वीक भी उसमें क्या कर देगा, डिजीज काज कर देगा। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, एक्स लिंक्ड मतलब बॉयज में ज्यादा होती है। सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी, इसका काज अभी तक अननोन है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक होती है। अच्छा आईजीए किसको लाइन करती है, एक तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि नहीं, और दूसरा आपके जीआईटी सिस्टम को, अगर ये नहीं होगी तो आपको किसके इन्फेक्शन होंगे, जीआईटी के और लंग्स के इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। और इससे आपको एटोपी एनाफिलैक्सिस टू आईजीए कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, वही बात, अगर पेशेंट में आईजीए है ही नहीं तो मतलब उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होंगी, अगर आप उसको आईजीए देंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि आईजीए विद, अब आईजीए सिर्फ कम होगी, सिर्फ
सिलेक्टिव आईजीए कम होगी, बाकी आईजीजी आईजीएम लेवल ठीक होंगे और आपको जीआरडीएसएस के इन्फेक्शन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आईजीए लाइन नहीं कर रहा जीआईटी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका अगली क्या है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें डिफेक्ट इन बी सेल मैच्योरेशन, बी सेल मैच्योर होते हैं प्लाज्मा सेल्स में, याद है, इधर बिल्कुल बी सेल्स बन ही नहीं रहे थे, इधर बिल्कुल बन ही नहीं रहे, लेकिन यहां पर मैच्योर नहीं हो रहे। जब मैच्योर नहीं होंगे तो आपके यहां पर एंटीबॉडीज तो बनेगी लेकिन कम बनेगी। तो मे प्रेजेंट इन चाइल्डहुड बट यूजुअली डायग्नोस्ड आफ्टर पुबर्टी, ये पुबर्टी के बाद ही आपकी डायग्नोस होती है डिजीज। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑफ कोर्स जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो ऑटोइम्यून डिजीज, ये आपको ब्रोंकियोस के इन्फेक्शन होंगे, लिम्फोमा और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा सेल्स क्या होंगे, बी सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे तो प्लाज्मा सेल्स क्या होंगे, और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भी क्या होंगी, कम होंगी। समझ आ गया, जहां पे समझना है वहां पे आपने मुझे रोकना है। थैमाकेप्लेशिया, थैमाकेप्लेशिया क्या है, डाइजियार सिंड्रोम, थर्ड फ्रेंजर पोच और फोर्थ फ्रेंजर पोच नहीं बनेगी। थर्ड क्या बनाती है, थाइमस, और साथ में थर्ड क्या बनाती है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और फोर्थ क्या बनाती है, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। जब थाइमस नहीं बनेगा तो टी सेल्स होंगे, टी सेल्स मिसिंग होंगे, और जब आपका पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा तो पैराथायराइड हार्मोन बनेगा, पैराथायराइड हार्मोन जब नहीं बनेगा तो क्या कैल्शियम होगी, कैल्शियम की ब्लड में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज, इससे क्या हो जाएगी आपको, टैटनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टैटनी, और इससे आपको कार्डियक डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि 22q मैक्रोडिलेशन होती है, फेलियर टू डेवलप थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल पाउचेस, एब्सेंट थाइमस एंड पैराथायराइड्स, डाइजर्स इन वही थाइमक पैराथायराइड और कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे, आपकी पैलेट नहीं बनेगी, ठीक है, आपको पैलेट डिफेक्ट होंगे। ये जब बच्चे का वो, जब बच्चा पैदा होता है उसका ये भूड जो ना दरमियान से कटा हुआ होता है, आपको फेशियल डिफेक्ट्स, कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे, ये वही उसके सिम्टम्स लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें टी सेल्स के क्या होंगे, ऑफ कोर्स थाइमस नहीं, टी सेल्स कम होंगे, पैराथायराइड हार्मोन कम होगा, कैल्शियम लेवल कम होगा, और आप एक्सरे करेंगे तो उसमें आपको थाइमक का शेडो नहीं मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट थी, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी, ब्रुटन टेरोसिन कैनेज डेफिशिएंसी, वो वाली, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर डेफिशिएंसी, इंटरल्यूकिन 12 बल्कि, आपका जब टी हेल्पर सेल जब इधर से मैक्रोफेज था तो सेकंड सिग्नल कौन सा आता था कि आपका CD4 जो है ना टी हेल्पर सेल 1 बन जाता था, इंटरल्यूकिन 12 सेकंड सिग्नल आता था। जब इंटरल्यूकिन 12 ही नहीं आएगा तो क्या टी हेल्पर सेल 1 बनेंगे, नहीं, तो टी हेल्पर सेल 1 को जो रिस्पॉन्स होगा वो कम हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, डिसेमिनेटेड मैक, और ये टी हेल्पर सेल 1 टीबी में हमने कहा था यूज होती है, क्या बनाती है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। जब ये ही नहीं होगा तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगी तो जो माइकोबैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होंगे वो ठीक होंगे नहीं, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। मे प्रेजेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन, इवन कि आप टीबी की वैक्सीन भी देंगे ना वो वीक से पैथोजन होंगे वो भी जाके डिजीज काज कर देंगे। इसमें आपका इंटरफेरॉन गामा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी हेल्पर सेल 1 क्या प्रोड्यूस करते थे, इंटरफेरॉन गामा, तो इंटरफेरॉन गामा ही नहीं बनेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी, यही माइकोबैक्टीरियल के इन्फेक्शन आपको बढ़ जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं समझ आया, रिस्पॉन्स करें, आगे समझ। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम, जॉब सिंड्रोम हम इसको कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने कहा था टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे, जब टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे तो क्या इंटरल्यूकिन 7 बनेगा, इंटरल्यूकिन 17 बल्कि टी हेल्पर सेल 17 कौन सा साइटोकाइन रिलीज करते थे, इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 17 नहीं बनेगा। इंटरल्यूकिन 17 का काम था कि न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, तो क्या न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आएंगे, नहीं आएंगे, ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जब नहीं आएंगे तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, और स्टेट 3 म्यूटेशन होती है इसमें, और इसमें आपका जो IgE है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दो चीजें, एक तो आपका, एक सेकेंड, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा है, सही जा रहा हूं है? स्पीड मेरी तेज तो नहीं है, नहीं है तेज, अच्छा मतलब स्पीड तेज है मेरी है, स्पीड तेज जा रही है, बताया मुझे, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड तेज की हुई है।
तू सही जा रहा है। स्टेट थ्री में म्यूटेशन होगी तो TRPSL 17 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस नहीं होगा, इससे कीमोटैक्टिक फैक्टर जो है ना वो कम हो जाएगा, तो आपका न्यूट्रोफिल नहीं आएंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, या फिर आपका IgE ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आपको हैपर IgE हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पस फॉर्मेशन जो है ना वो कोल्ड बनेगी, क्योंकि अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे तो वहां पे वार्म इन्फ्लेमेशन नहीं होगी बल्कि कोल्ड इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, और रिटेन्ड बेबी टीथ, बेबी टीथ के जो उसके जो टीथ होते हैं वो डबल रह जाएंगे, पहले वाले तो होंगे ही होंगे, उसके साथ एक और लेयर भी बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक म्यूकोकटेनियस कैनिडियासिस, टी सेल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, तो आपके इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट इसके खिलाफ, मतलब एयर जीन, याद है एयर जीन, ये सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूस, देखिए हमने कहा जब टी सेल्स की मैचुरेशन होती है, टी सेल्स की मैचुरेशन, तो ये जो एयर जीन होता है, ये एयर जीन सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट करता है, किसको, इनको क्या प्रेजेंट करता है, सेल्फ एंटीजन टी सेल्स को। अगर टी सेल्स सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन करते थे तो ये एपोप्टोसिस में चले जाते थे, अगर अगर ये नहीं शो करते थे तो ये सिलेक्ट हो जाते थे, नेगेटिव सिलेक्शन, याद है। लेकिन अगर आपके एयर जीन में डिफेक्ट है तो आपके टी सेल्स डिसफंक्शन हो जाएंगे और आपको कैनेडा के इन्फेक्शन होंगे, तो इधर भी यही लिखा हुआ है कि आपको कैनेडा के नॉन वेसिव इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्किड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सिवियरल टाइप्स इंक्लूडिंग डिफेक्टिव इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, हमने कहा था कि टी सेल्स जब एक्टिव होते हैं तो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करते हैं, जो वापस इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर के जरिए इसके ऊपर एक्ट करता है और इसकी क्या करता है, प्रोलिफरेशन। मैंने कहा था इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंटरल्यूकिन 2 इसी से प्रोड्यूस हो रहा है, इसी पे एक्ट कर रहा है, लेकिन जब रिसेप्टर ही नहीं है इंटरल्यूकिन 2, तो क्या ये इसके ऊपर एक्ट कर पाएगा, क्या इसकी प्रोलिफरेशन होगी, नहीं। एक और था कि एडिनोसिन डीमाइनेस डेफिशिएंसी, हमने कहा था ये एंजाइम ये क्या करता है कि आपके एडिनोसिन को क्या करता है, उसके ऊपर से एमाइन ग्रुप रिमूव करता है और उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका एडिनोसिन आपकी बॉडी में अकोमुलेट कर जाएगा, जब ये अकोमुलेट करता है तो इससे एक और एंजाइम रेबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम याद है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, जब वो इनहिबिट होगा तो आपकी डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी, जब डीएनए की फॉर्मेशन बी और टी सेल्स की नहीं होगी तो बी और टी सेल्स तादाद में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और रैग म्यूटेशन भी होती है, वीडीजे याद है कि रैग म्यूटेशन हो जाएगी, वीडीजे सेगमेंट नहीं बनेंगे तो आपके ये बी सेल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये उसके आपने देख लेनी है, ये भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया के जो ATM जीन होता है, ये आपका जो डीएनए डैमेज है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, आपका जो डीएनए डैमेज हुआ है सेल साइकिल के दौरान, अगर डीएनए डैमेज हुआ पड़ा है तो आपका ATM जीन उसको डिटेक्ट करेगा, उसकी क्या करेगा, रिपेयर करेगा। लेकिन अगर आपका ATM जीन ही नहीं है तो क्या आपका डीएनए डैमेज डिटेक्ट होगा, नहीं, तो डीएनए डैमेज रह जाएगा, उसमें म्यूटेशन अकोमुलेट कर जाएंगी और उससे हमें ये डिजीज हो जाएगी, इटैक्सिया होगा, आपको एंजियोमास आपकी स्किन के ऊपर इस तरह की ब्लड वेसल्स बन जाएगी, ब्लड वेसल्स शो हो रही होंगी और आपको IgA की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और यही पेशेंट सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन के। ठीक है, तो हाइपर IgM सिंड्रोम, AFP कौन सा टेस्ट था हमारे पास, AFP था अल्फा फैटोप्रोटीन टेस्ट, जो कि यूज होता था आपके फीटस की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कि उसमें बर्थ डिफेक्ट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, हाइपर IgM सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिफेक्टिव CD4 लिगेंड ऑन TRPSL। अच्छा, हमने कहा था ये टी सेल्स हैं, ये बी सेल्स हैं, ठीक है, और ये टी सेल से CD40 लिगेंड और बी सेल्स के ऊपर CD40 रिसेप्टर आते थे, जब ये हो जाता था फिर आपके TRPSL 2 से क्या रिलीज होता था, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, ये जाके जो आपके बी सेल्स के ऊपर IgM लगी हुई है उसकी क्लास स्विचिंग कराते थे, या तो बना देते थे IgA, IgG या फिर IgE। अब जबकि ये CD40 ligand ही नहीं है, ये है ही नहीं, तो क्या ये रिलीज होंगे, नहीं,
क्या ये क्रॉस स्विचिंग होगी? नहीं, तो मतलब IgM ही रहेगा, IgM ही रहेगा, IgG नहीं बनेगा, IgE नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि क्रॉस स्विचिंग डिफेक्ट आएगा आपका, सीवियर प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन, अर्ली एंड लेट अपॉर्चुनिस्टिक, ये सारे होंगे, नॉर्मल या फिर बढ़ी हुई IgM होगी, लेकिन IgG क्योंकि क्रॉस स्विचिंग नहीं होती, ये सारे क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, समझ आ गई है। विस्कट एल्ड्रेस सिंड्रोम, म्यूटेशन इन वैस जीन, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स अनएबल टू रिकॉग्नाइज एक्टिन स्केलेटन डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता था याद है कि जब आपके ये ल्यूकोसाइट जो है ना उसको, या मैक्रोफेज किसी एंटीजन को ले लेते हैं, फिर वो उसको MSC क्लास के जरिए रिप्रेजेंट करते थे। रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक रोड सिस्टम चाहिए था एक्टिन का, वो उस एक्टिन को रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और इसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये डिफेक्ट इसमें होगा। ठीक है, वैस जीन में डिफेक्ट होगा, तो इसको ये वाले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ये सारे इन्फेक्शन इसको हो जाएंगे और इसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि क्या होता है, जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां पर, ये एडहेशन मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर इंटेग्रेंस होते हैं, ये आके आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और यहां पर ये एडहेयर हो जाते हैं, तो ये नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो क्या इन्फ्लेमेशन होगी? नहीं, तो यहाँ पर ये वाला डिफेक्ट होता है कि आपके इंटीग्रिन जो होते हैं प्रोटीन्स, ये फेगोसाइट्स, इनमें डिफेक्ट होता है और आपकी लेट सेपरेशन होगी किसकी, अम्बिलिकल कार्ड की, 30 डेज से ऊपर चली जाए, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो आपका अम्बिलिकल कार्ड वहां से सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो पस फॉर्मेशन भी नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जा नहीं रहे, न्यूट्रोफिल्स जाएंगे इन्फ्लेमेशन होगी तो पस फॉर्मेशन होगी, इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं रही, न्यूट्रोफिल्स की एडहियरिंग हो ही नहीं रही, वो माइग्रेट ही नहीं कर रहे और न्यूट्रोफिल्स ब्लड में बढ़ जाएंगे क्योंकि वो साइट ऑफ इन्फेक्शन नहीं जा रहे, तो ब्लड में वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। चेडिक हिगाशी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अब इसमें हमने कहा था कि, इसमें हमने क्या कहा था कि जो रोड सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, समझ आ गई है? नहीं समझ आई? हमने कहा था लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग, देखें हमने कहा था कि ये एंटीजन आया, अब इसको हम फेगो क्या कहेंगे, फेगोसोम, और इधर से लाइसोसोम था, इसने जाके इसके साथ मिलना था, लेकिन इसके लिए इसको मूव करना पड़ेगा और इसके पास जाना पड़ेगा, और ये मूव करता है एक रोड सिस्टम के जरिए। रोड सिस्टम क्या था, मैक्रोटिब्यूल्स, याद है मैक्रोटिब्यूल्स। अगर ये रोड सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या ये इस तरफ मूव कर सकेगा? तो क्या आपका फेगोलाइसोसोम बनेगा? नहीं। तो क्या आपके एंटीजन की किलिंग होगी? नहीं, उल्टा इन्फेक्शन हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था एल्बिनिज्म की मिसाल, याद है कि आपके जो मिलेनोसाइट्स थे वो एल्बिनिज्म बना रहे थे, एल्बिनिन हार्मोन बना रहे थे, लेकिन वो ट्रेवल नहीं कर रहा था आपके क्रेटिनोसाइट्स के पास, वो क्रेटिनोसाइट्स इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको एल्बिनिज्म हो रही थी। इसी तरह आपको पायोजेनिक इन्फेक्शन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो रही थी कि आपके पेरिफेरल सिस्टम में जो रोड सिस्टम था वो नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ आ रहा है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटोस डिजीज, सिंपल सा है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम में डेफिशिएंसी होती है, जब उसमें डेफिशिएंसी होती है तो आपका H2O2 नहीं बन पाता, तो आपका HOCl नहीं बन पाता, तो बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होती, और अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि कैटलाइज पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इम्यूनो डेफिशिएंसी, समझ आ गई है, हैं? पक्की बात है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे, BB और TV, याद है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो बी सेल्स की उसको कंट्रोल करेंगे, अगर वायरल इन्फेक्शन होगी तो टी सेल्स उनको कंट्रोल करेंगे। ये लाइन, बी सेल डेफिशिएंसी टेंड टू प्रोड्यूस रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वेयर एज टी सेल डेफिशिएंसी प्रोड्यूस मोर फंगल एंड वायरल इन्फेक्शंस। हाइपरएक्यूट रिजेक्शन, इसमें क्या था, ये विद इन द मिनट्स होती है, इसमें आपकी प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज, आपकी जो एंटीबॉडी जो आपका रेसिपिएंट है उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, कौन सी, IgG, और डोनर की एंटीजन जैसे ही हाइपरसेंस, जब डोनर का हमने एंटीजन अंदर गई, जैसे ही डोनर की एंटीजन गई, तो ये ऐसे होता है कि आपकी ये डोनर था, डोनर का कोई सेल था, RBCs थे, ठीक है, मतलब कोई भी सेल था उसका, हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया तो किडनी के सेल थे, उसके ऊपर IgE लगी हुई थी, अब इस IgE के खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ रेसिपिएंट के अंदर ऑलरेडी IgG एंटीबॉडी बनी हुई है, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मैक्रोफेज या फिर नेचुरल किलर सेल्स, और इसे क्या कर देंगे वो, डिस्ट्रक्शन। ये होती है आपकी हाइपर एक्यूट, विद इन द मिनट्स आपकी क्या होती है,
रिएक्शन होती है। दूसरी कौन सी थी? एक्यूट, एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता था कि सेलुलर CD8 और CD4 रेस्पॉन्स देते थे। कैसे? कि इसमें जो है ना डोनर, जो है ना डोनर अपनी ही एंटीजन को अपनी ही MSC क्लास के जरिए, अपनी ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए किसको एक्सप्रेस करता था? रेसिपिएंट के टी सेल्स को। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो जो डोनर है वो अपनी ही एंटीजन को, एंटीजन कौन सी होगी? जो किडनी के सेल्स होंगे वो उन्हीं को एज एंटीजन यूज करेगा। अपनी ही एंटीजन को अपनी ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए, अपनी ही MSC क्लास के जरिए टी सेल्स को शो कराएगा, और वो क्या शो करेगा? आपके रिएक्शन शो करेगा, या तो ह्यूमरल रिएक्शन शो करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन, या फिर CD8 सेरोटॉक्सिक शो करेगा। अगर MSC क्लास 1 एक्सप्रेस होगी तो CD8, MSC क्लास 2 एक्सप्रेस होगी तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये इसका ह्यूमरल रिस्पॉन्स सेम उसी तरह हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 होगा, लेकिन यहां पर वहां पर क्या थी? प्री प्री एग्जिस्टिंग, पहले से बनी हुई थी, यहां पर बाद में बनती है। अच्छा, क्रोनिक में क्या फर्क होता है? क्रोनिक में ये होता है कि यहां पर एंटीजन तो होगी किसकी? डोनर की, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसके होंगे? रेसिपिएंट के। और MSC क्लास भी किसकी होगी? रेसिपिएंट की। और टी सेल्स भी किसके होंगे? रेसिपिएंट के। और सारा प्रोसेस फिर सेम उसी तरह होगा। नहीं समझ आई कि एंटीजन किसकी होगी? डोनर की, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और MSC क्लास रेसिपिएंट की होगी, और रेसिपिएंट की टी सेल्स को ही एक्सप्रेस करेगी, और टी सेल्स एक्टिव होंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे टाइप 2 और टाइप 4। ठीक है, और होती है हमारी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, कि जो हमने डोनर से जो हमने जो भी चीज ट्रांसप्लांट की उसके अंदर जो बी और टी सेल्स थे वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट थे, यानी एक्टिव थे, लेकिन जो रेसिपिएंट के जो बी एंड टी सेल्स थे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, यानी वीक थे। क्या थे? वीक थे। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वो क्या थे? इम्यूनो कॉम्पिटेंट थे। तो वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट आएंगे, इन्हीं के खिलाफ एक्ट करेंगे, और वीक सेल्स क्या कर देंगे? डेथ कर देंगे, इनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। ये आपकी क्या थी? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। समझ आ गई है ये? अब फार्माकोलॉजी इसकी आ गई है, इम्यूनो फार्माकोलॉजी, वो देखते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब वो ड्रग्स जो जाके आपके इम्यून सेल्स को क्या कर देंगी? सप्रेस कर देंगी, इम्यून सेल्स को सप्रेस। अब हम ड्रग्स के नाम पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और उनकी हम इंडिकेशंस और ये पढ़ेंगे। चलो यहां से देख लेते हैं, मैंने यहां से पढ़ाया था इसको। हमने कहा था जो जब ऊपर से कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो आपकी कैल्सिन्यूरिन प्रोटीन हो जाती है एक्टिव, और ये NFATP की डीफॉस्फोरिलेशन करती है, इससे फास्फेट ग्रुप रिमूव करती है और इसको तब्दील कर देती है NFAT से। अब ये NFAT हो गया एक्टिव, पहले इनएक्टिव था, और ये एक्टिव फॉर्म जाके ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो आपके DNA के ऊपर जाके एक्ट करता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराता है, और वहां से इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कराता है, और यही इंटरल्यूकिन 2 जिस सेल से बना उसी सेल के ऊपर जाके एक्ट करता है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए, और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए एक्ट करके ये mTOR को जाके एक्ट करता है, टारगेट करता है, और mTOR को एक्ट टारगेट करता है, तो mTOR का काम होता है कि जीन्स की प्रोलिफरेशन कराना। जब जीन्स की प्रोलिफरेशन होती थी तो टी सेल्स की क्या होती थी? प्रोलिफरेशन। टी सेल्स क्या होते थे? प्रोलिफरेट करते थे, वो एक से दो, दो से मतलब इस राउंड की नंबरिंग बढ़ती थी। अब ये ड्रग कैसे एक्ट करती है? जो आपकी साइक्लोस्पोरिन ड्रग होती है, जब हम साइक्लोस्पोरिन ड्रग देते हैं, सॉरी, तो ये आपकी साइक्लोस्पोरिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स जाके आपके कैल्सिन्यूरिन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इसी तरह जब हम टैक्रोलिमस ड्रग देते हैं तो वो जाके FKBP के साथ, इस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाती है, ये भी प्रोटीन होती है FKBP, इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, ये कॉम्प्लेक्स भी कैल्सिन्यूरिन की क्या कर देगा? इनहिबिशन कर देगा। जब कैल्सिन्यूरिन इनहिबिट हो गया दोनों ड्रग्स की मदद से, तो क्या आपकी ये डीफॉस्फोरिलेशन होगी इसकी? नहीं। तो क्या NFAT एक्टिव फॉर्म में आएगा? नहीं। तो क्या ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेगा? नहीं। तो क्या इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बनेगा? नहीं। जब यही नहीं बनेगा तो क्या इनकी प्रोलिफरेशन होगी टी सेल्स की? नहीं, टी सेल्स की प्रोलिफरेशन नहीं होगी। तो इस तरह इसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कहते हैं, कि इम्यून सेल्स को सप्रेस कर दिया, उनकी तादाद कम कर दी। अच्छा, अगर हम ये ड्रग्स नहीं देते, हम ड्रग देते हैं डेक्लिजोमैब या बेजलेक्सिमैब। बेजलेक्सिमैब ये तो बनने देती है, इंटरल्यूकिन 2 तो बन जाएगा, लेकिन ये इंटरल्यूकिन 2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनको इनहिबिट कर देगी। जब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो क्या इंटरल्यूकिन 2 इनके ऊपर एक्ट कर पाएगा?
नहीं, तो क्या जीन्स की प्रोलिफरेशन होगी? नहीं। क्या टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी? नहीं। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेशन ड्रग बोलते हैं। इसी तरह आपने क्या दी? सिरोलिमस ड्रग दी। सिरोलिमस ड्रग हमारी प्रोटीन बॉडी के अंदर जो मौजूद है एफ के बीपी के साथ बाइंड करेगी और ये इनहिबिट कर देगी एमटार को। अगर इंटरल्यूकिन टू रिसेप्टर भी काम कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन टू भी काम कर रहा है, एमटार इनहिबिटर काम नहीं कर रहा, तो क्या प्रोलिफरेशन ऑफ जीन्स होगी? नो। टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी? नो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेशन ड्रग बोलते हैं। एक और ड्रग हम देते हैं, इजिथियोप्राइन। जब इजिथियोप्राइन ड्रग देते हैं तो इजिथियोप्राइन ड्रग हमारी बॉडी में जाके 6-मर्कप्टोप्यूरिन में चेंज हो जाती है, मर्कप्टोप्यूरिन में चेंज हो जाती है। तो ये मर्कप्टोप्यूरिन क्या करता है? एक एंजाइम होता है पीआरपीपी एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी, पीआरपीपी मेनोट्रांसफरेज एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी, इसको इनहिबिट कर देगी। इस एंजाइम का काम होता है प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस, डी नोवो सिंथेसिस, प्यूरीन प्यूरीन सिंथेसिस पाथवे। इसको हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये उसको एक्ट करेगी, जब उसको एक्ट करेगी तो आपकी प्यूरीन की सिंथेसिस नहीं होगी और डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। मतलब ये एंजाइम प्यूरीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये इजिथियोप्राइन इसको इनहिबिट कर देगी तो प्यूरीन की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो जीन्स की प्रोलिफरेशन नहीं होगी, तो आपके टी सेल्स की प्रोलिफरेशन नहीं होगी। इसी तरह मैकोफिनोलेट ड्रग, ये एक और एंजाइम को इनहिबिट करती है, आईएमपी डीहाइड्रोजिनेज, इनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। इस एंजाइम का काम भी यही होता है प्यूरीन की सिंथेसिस करना। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो प्यूरीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, जीन्स की प्रोलिफरेशन नहीं होगी। तो इसको भी बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। या फिर हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके एनएफ कैपा बी इस न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, या फिर आपके इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइन जीन्स हैं उनको इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो बिल्कुल भी आपका कोई साइटोकाइन नहीं बनेगा, आपके टी सेल्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये भी क्या होती है? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती है। समझ आ गया? तो यहां से बाकी आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये यही चीज उसने लिखी हुई है, इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है और कौन कौन से हम इसको यूज करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम सॉरी, रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस एंड क्लिनिकल यूजेस। रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस होती तो ड्रग्स हैं, होती क्या हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड साइटोकाइंस होते हैं या फिर क्लोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल उनका एनालॉग होती है, सेम उसी की तरह की होती है। जिस तरह हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड साइटोकाइंस होते हैं, बिल्कुल उन्हीं का एनालॉग होती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह की होती है, उन्हीं की तरह एक्ट करती है, लेकिन होती फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है। ठीक है, अब ये एरिथ्रोपोइटिन, ये एक हार्मोन है जो हमारी किडनी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि बोन मरो को जाके स्टिमुलेट करना ताकि वो आरबीसीज की प्रोडक्शन करे। तो इसी का एनालॉग हमने ड्रग बनाई एपोपोइटिन अल्फा। ये ड्रग सेम है, आरबीसीज को जाके स्टिमुलेट करती है कि आप जो है ना आरबीसीज प्रोड्यूस करें। जब आरबीसीज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एनीमिया यानी जो आरबीसीज की कमी है वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। इसी तरह हमारी कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये भी क्या होते हैं? नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं कि आप व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करें। तो इन्हीं का एनालॉग हमारे पास होता है फलग्रास्टिम GCSF और सरग्रामोस्टिम ड्रग्स होती है GMCSF। ये भी क्या करती है? एक्ट करती है आपके बोन मैरो पे और व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कराती है। तो आपको अगर लिकोपीनिया होगा तो उसकी क्या हो जाती है? रिकवरी हो जाती है। लिकोपीनिया यानी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम है तो वो बढ़ जाएंगे। थ्रोम्बोपोइटिन, ये भी हार्मोन है नेचुरली प्रोड्यूस जो आपके किडनी और लिवर में प्रोड्यूस होता है। इसका काम है कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करना कि आप प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करें। क्या? प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करें। तो इसी का हमने ड्रग यूज करते हैं रोमिप्लास्टिम या फिर एल्ट्रोम्बोपैग, हम इसके एनालॉग ड्रग यूज करते हैं जो जाके आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है कि आप प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करें। समझ आ गया? इसके बाद सेम नीचे लिखी हुई है आपका इंटरल्यूकिन 2 नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इसकी जो एनालॉग होता है वो होता है एल्डिसिल्यूकिन, ये रेनल सेल कार्सिनोमा इसमें यूज होता है। और इंटरफेरॉन्स नेचुरली प्रोड्यूस, 3 होते हैं ना इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा गैमा, उन्हीं के एनालॉग ड्रग्स होती हैं और ये इनके यूजेस हैं। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे ड्रग्स हैं थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज ड्रग्स। पहली है एलएमटूजुमैब, ये टारगेट करती है आपके CD52 को जो टी सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है ये प्रोटीन। जब इसको टारगेट करेगी तो टी सेल्स को मतलब क्या करेगी? टारगेट। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, टी सेल्स को कम करती है, इम्यूनो सप्रेसेंट होती है और इनमें यूज होती है। बेविसिजुमैब, ये भी ड्रग होती है,
ये वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को एक्ट करती है, उसको नाम खुद बता रहा है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन कराता है। अब बेविसिस ऑफ बैब जाके वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को टारगेट करता है और न्यू वेसल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं होने देता। कैंसर, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो न्यू सेल्स बन जाते हैं ना, न्यू सेल्स जो ज्यादा सेल्स बन जाते हैं, फिर अगर इस कैंसर ने बनना है मैलेग्नेंट तो इसमें ब्लड वेसल्स बन जाती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स बन जाती हैं जो इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेविसिज़ुमैब देते हैं जो इस वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करेगी, तो आपकी ये वेसल्स नहीं बनेगी, तो इस तरह हम कैंसर को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा है रिटोक्सिमैब, ये CD20, ये बी सेल्स के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स होती हैं उनको टारगेट करेगा, जब ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो बी सेल्स का जो आपका वो होगा कैंसर होगा, तो बी सेल्स कम होंगे तो कैंसर आपका क्योर होगा। ट्रास्टोजिमैब, ये हर टू जो आपके ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, ब्रेस्ट सेल, ये ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं, अगर ये रिसेप्टर्स ओवर रिएक्टिव हो जाए तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो हमने इन रिसेप्टर्स को क्या करना है, ब्लॉक करना है हर टू रिसेप्टर्स को, जब हर टू रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो आपका ब्रेस्ट कैंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। इसके बाद आपका एडोलिमोमैब या इन्फ्लेक्सिमैब ड्रग होती है, ये आपके सॉल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के ऊपर एक्ट करेगी और इन डिजीज में यूज होगी। इक्लोजोमैब आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C5 के ऊपर एक्ट करेगी और आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव नहीं होने देती। मैक याद है, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये किससे बनता था, C5b से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, और यही आपका मैक याद है, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया RBCs के ऊपर एक्ट करता था और RBCs की ब्रेक डाउन करके ये डिजीज काज करता था, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। जब आपका मैक ही नहीं बनेगा, C5 नहीं बन रहा, मैक नहीं बन रहा, तो RBCs की ब्रेक डाउन होगी नहीं, तो आपको प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया होगा नहीं होगा, तो हम इसको कंप्लीमेंट प्रोटीन C5 की इनहिबिशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इक्लूजोमैब या फिर सिकोकिनोमैब, ये इंटरल्यूकिन 17A के ऊपर इफेक्ट करता है और इन डिजीज के खिलाफ यूज होता है। अच्छा, नटालिज़ुमैब, ये आपके अल्फा इंटीग्रेंस नहीं बनने देता, जब इंटीग्रेंस नहीं बनेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के तो क्या एडियन होगी, एडियन नहीं होगी, याद है व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर इंटीग्रेंस बनते हैं और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एडियन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर उनकी एडियन होती थी वो बाहर जाते थे, जब ये नहीं बनेंगे इंटीग्रेंस तो क्या एडियन होगी, नहीं होगी। और ओस्टिकिनोमैब, ये आपके इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23 जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं उनको एक्ट करेगा और आपके सिरोसिस जो स्किन के इन्फेक्शन है या सीरियोटिक आर्थराइटिस जो आपके नेल के इन्फेक्शन है उनको रोक देगा, इन्फ्लेमेशन को रोक देगा। एप्सिक्जिमैब, ये आपके प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3B जो आपके प्लेटलेट्स के ऊपर ये मौजूद होती है प्रोटीन उनको एक्ट करेगा, इसका काम होता है ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कराती है ये वाली प्रोटीन, जब ये प्रोटीन्स ही नहीं होगी तो क्या प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, नहीं, तो ये एंटी प्लेटलेट एजेंट के तौर पर यूज होते हैं और ये इस्कीमिया को प्रिवेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो गई है तो यहाँ से ब्लड पास नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया, तो इसने ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होनी थी ड्रग ने, तो यहाँ पर इस्कीमिया को ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो डिनोजोमैब रैंकल को इफेक्ट करती है और ये एंजियोस के खिलाफ यूज होती है। ओमालिज़ुमैब ये IgE को क्या करती है, टारगेट करती है, समझ आ रहा है डॉक्टर मुस्तफा, समझ, कल आपने ये लेक्चर नहीं लिया था ना मेरे ख्याल में, ये आपने, तो ये IgE को इफेक्ट उसको टारगेट करती है और ये आपके जब IgE को इन्फेक्ट करेगी तो जब IgE नहीं बनेगी, मास सेल्स के ऊपर IgE नहीं लगी हुई, IgE नहीं लगी हुई, तो क्या आपको ये इन्फेक्शन होंगे, हिस्टामिन रिलीज होगा यहाँ से, और याद करें हिस्टामिन जैसे एलर्जिक रिएक्शन होते थे Type 1 हाइपरसेंसिटिविटी में, तो आपको वो वाले एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगे। प्रिवेंट्स IgE बाइंडिंग टू, तो ये IgE बाइंड नहीं कर पाएगी यहाँ पर मास सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन इसको नहीं होगी। पालविज़ुमैब RSV प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है जो आपके वायरस को, ये होता है ना आपका होस्ट सेल और वायरल सेल, वायरल सेल अब जब होस्ट सेल के ऊपर आके बैठता है तो वो इस प्रोटीन की मदद से बैठता है, तो ये ड्रग इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी, तो क्या यहाँ पर ये वायरल सेल बैठ पाएगा, नहीं, तो क्या आपको वायरल इन्फेक्शन होंगे, नहीं, तो इस तरह ये आपको वायरल इन्फेक्शन से सेव करती है। तो ये थी आपकी इम्यूनोलॉजी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इम्यूनोलॉजी की रिवीजन भी कर लिया, तो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया खत्म, नेक्स्ट हमने आप बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताएं, कोई चीज मैंने स्पीड में तो नहीं पढ़ाया, असल में थी ना रिवीजन,
आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बस चीजों को रिवाइज कराना है आपके माइंड में, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड जरा तेज रखी और मैंने ज्यादा डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ाया। समझ आ गया? कोई फायदा हुआ क्लास में आने का, रिवीजन क्लास में आने का? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।